नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF न्यूज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं और आप PNB1 एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पेई कैसे ऐड करना है ताकि आप उस व्यक्ति को रुपये ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे फ्रेंड्स, आप जानते हैं जितने भी बैंकिंग एप्लीकेशन होते हैं, यदि उनसे आप किसी व्यक्ति को अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको पहले उसे बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको देखना है कि नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, माय प्रोफाइल, माय पेज, इमरजेंसी नोटिफिकेशंस। तो यहाँ पर माय पेज में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये ऑप्शन आपको खुल के आ रहे हैं। इसके पश्चात आपको यहाँ पर नीचे आपको क्लिक करना है, ये जो आपको हल्दी कलर का साइन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखें कि वेथन में ऑलरेडी सेलेक्ट है, इसका मतलब ये है कि यदि PNB पंजाब नेशनल बैंक के दूसरे अकाउंट को आप ऐड करना चाहते हैं तो केवल आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर डालने की आवश्यकता होगी और कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप पंजाब नेशनल बैंक के अलावा किसी अकाउंट में आप भेजना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको अदर में क्लिक करना है। और अदर में क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपको पूरा डिटेल, आपको जो जिस अकाउंट में आपको रुपया ट्रांसफ़र करना है, जिसको एज ए बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना चाहते हैं, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पर भर देना है। जैसे कि निक नेम डाल देंगे, उसका जो नेम है अकाउंट में वो डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे और कन्फर्म एक बार दोबारा अकाउंट नंबर डालेंगे, उसका IFSC कोड डालेंगे, एड्रेस डाल सकते हैं, लिमिट अमाउंट डाल सकते हैं और नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि कितने ट्रांजेक्शन तक करे जा सकते हैं। और इसके पश्चात आपको चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो आवश्यक डिटेल्स को भर देते हैं और आगे आपको मिलते हैं। ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है अपने जो बैंकिंग डिटेल है उसको पूरा। और यहाँ पर आप देखिए कि नीचे आपको चेकबॉक्स में क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड में आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर कंफर्म आपकी जानकारी दिखेगी, इसके पश्चात आपको यहाँ पर ऐड में क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल देते हैं और आगे आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया है और बाद में आपको यहाँ पर कर देना है कन्फर्म में क्लिक। जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो बेनिफिशियरी है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके अलावा यदि और भी किसी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर पे में क्लिक कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपके जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जैसे आपकी फैमिली के लोग हो गए जो बाहर रहते हैं, मतलब मदर फादर हो गए, उनके आपको सबसे पहले ऐड कर लेना चाहिए पे के तौर पर, क्योंकि कभी भी आपको रुपये भेजने की आवश्यकता पढ़ सकते हैं। तो जो ऐसे लोग जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे आपका लेन देन होता रहता है, उनके अकाउंट नंबर की जानकारी आपको एज ए पेई के तौर पे ऐड कर लेना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स जानकारी थी कि आप पेई को कैसे ऐड करें, अब बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।